इन कमाल के गैजेट्स को आप नहीं जानते थे। कैसे कार में जाते समय बस इस चीज को लगाकर आपका कभी भी एक्सीडेंट नहीं हो सकता। कैसे इस आदमी ने बस एक जीमेल भेजकर 1,000 करोड़ कमा लिए। और सेफ्टी पिंस में ये होल क्यों होते हैं? भाई वीडियो इतना कमाल का है कि आप उसे शुरू होने से पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नंबर 21, कॉकरोच 5 दिन के अंदर मुंबई से दिल्ली पहुंच सकते हैं, क्योंकि कॉकरोच बहुत ज्यादा तेज होते हैं पर हमें पता नहीं चलता। पर अगर कॉकरोच एक सीधी लाइन में ट्रैवल करें फिर वो 1 घंटे में 4 से 5 माइल्स यानी कि 8 किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हैं। नंबर 20, अगर आप रात को काफी लॉन्ग ट्रिप पर जा रहे हो और आपको ड्राइविंग करते वक्त नींद आ रही है तो आपको किसी कॉमेडियन को देखना है, क्योंकि हंसते हुए सो पाना इम्पॉसिबल है और आपकी नींद भाग जाएगी। नंबर 19, आप अपनी कार से बस 1 घंटे में स्पेस पहुंच सकते हो। हाँ, स्पेस हमसे इतना ज्यादा करीब है, हमें लगता है कि ये बहुत ज्यादा दूर है, लेकिन अगर हम वर्टिकल कार को चला सकते हैं तो बस 90 किलोमीटर की स्पीड में हम 1 घंटे में स्पेस में पहुंच सकते हैं, वो भी आउटर स्पेस में। नंबर 18, एक यूट्यूबर ने एक ऐसा रोबोट बनाया जो आपके बाल काट सकता है, और ऐसा नहीं कि ये जैसे तैसे बाल काटता है बल्कि ये परफेक्ट आपके बालों को जैसे चाहिए वैसे काटता है। भाई अब तो बार्बर की नौकरी भी खतरे में है। नंबर 17, सीमेंट का आविष्कार सबसे पहले रोमन्स द्वारा किया गया था और उन्होंने कई सारी चीजें बनाई थी जो कि आज तक टिकी हुई है। भाई पता नहीं वो कैसे सीमेंट से चीजें बनाते थे, आज के सीमेंट से तो चीजें मुश्किल से 1 साल तक टिकती हैं। नंबर 16, इंडिया की जो सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है उसने 1,00,000 किलोमीटर का सफर तय किया है, वो भी 1 भी स्टॉप को बिना मिस किए। यानी एक तरीके से आप कह सकते हो कि उसने बिना रोके इतना सफर तय किया है, इसे कहते हैं मेड इन इंडिया की पावर। नंबर 15, एक पिज्जा बनाने वाले से अच्छे माफिया डरते थे। दरअसल एक पिज्जा स्टॉप पर एक शेफ कई सालों से पिज्जा बना रहा है और लोग इसे नॉर्मल शेफ समझते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये एक इटालियन माफिया किलर है जो कि माफियों को मारता था और ये 16 साल से उनसे बचकर भाग रहा है, और तभी इसे पिज्जा प्लेस खोलने का आइडिया आया। यार इसकी जिंदगी तो फुल फिल्मी है। नंबर 14, नील आर्मस्ट्रांग के बालों को 3,000 यानी कि 2.5 लाख रुपए में बेचा गया था, वो भी साल 2004 में, क्योंकि सबको चांद में गए हुए बाल को छूना था। यार पता नहीं इसमें हम ऐसा क्या ही अलग होगा। नंबर 13, जो माइग्रेटिंग टर्टल होते हैं उन्हें नहीं पता होता कि वो कहाँ जा रहे हैं, वो पैदा होते ही समुद्र में घुस जाते हैं और फिर मन मर्जी से तैरना शुरू कर देते हैं जब तक उन्हें कोई भी पानी का किनारा ना दिख जाए, लेकिन उन्हें टेक्निकली पता नहीं होता कि उन्हें कहाँ जाना है और कैसे जाना है, वो बस रैंडमली तैरने लगते हैं जैसे हम पहले GTA Vice City में करते थे। नंबर 12, इस आदमी की आंख में बल्ब लगा हुआ है, दरअसल इसको कैंसर हो गया था जिस वजह से इसकी आंख निकालनी पड़ी, लेकिन इस चीज को इसने काफी कूल बना दिया और अपनी आंख के अंदर लाइट फिट कर दी। ये लाइट टाइटेनियम जैसे एक मेटल से बनी है जिसकी वजह से ये ज्यादा गर्म भी नहीं होती। नंबर 11, डोमिनोज ने एक बार रोड के गड्ढे फिक्स किए थे, वो भी 200 से ज्यादा। दरअसल इंडिया की तरह बाहर के देश में कई जगह पर पॉट होल्स की काफी बड़ी प्रॉब्लम है और डोमिनोज ने इस प्रॉब्लम को हाईलाइट करने के लिए गड्ढों को भरा और उसके ऊपर अपना लोगो लगाया जिससे उनकी फ्री मार्केटिंग हो गई। नंबर 10, एक आदमी ने फेसबुक और गूगल से $112 मिलियन चुरा लिए और इसके बारे में खुद फेसबुक और गूगल को पता भी नहीं चला, क्योंकि ये उन्हें रैंडम मेल्स भेजता था जिससे नकली लाइट बिल, पानी बिल या रैंडम कोई भी बिल, लेकिन ये कंपनी रीचेक नहीं करती थी और उस बंदे को चुपचाप पेमेंट कर देती थी क्योंकि वो अपना बिल क्लियर करना चाहते थे। नंबर 9, एक इंसान ने एक बेबी हिप्पो को पाला था क्योंकि उस हिप्पो को एक रिवर से रेस्क्यू किया गया था और उस हिप्पो का कोई भी नहीं था। उस आदमी को लगा कि अब उस हिप्पो और उसके बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग है, लेकिन 5 साल के बाद उस हिप्पो ने उस आदमी को उससे रिवर में ले जाकर मार दिया। इतने साल तक वो आदमी उसे पालता था और उसने कभी भी उस पे हमला नहीं किया था। लगता है जानवर भी इंसानों से इंस्पायर हो रहे हैं। नंबर 8, ये देखो, ये बिल्ली के क्यूट से पाव जो कि लोगों को काफी ज्यादा क्यूट लगते हैं, जब इनके ऊपर फर होते हैं तो ये काफी प्यारे दिखते हैं, लेकिन बिना फर के ये बहुत ज्यादा डरावने से दिखते हैं जिसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। नंबर 7, सऊदी के क्लब अल नसर ने रोनाल्डो को क्लब ज्वाइन करने के लिए एक एमरल्ड से बनी वॉच गिफ्ट की है जिसकी कीमत 6 करोड़ बताई जा रही है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, पर वॉच भी उतनी ही लग्जूरियस होगी। पर हाँ, ये अभी तक बस एक रिपोर्ट है, रोनाल्डो ने बात को कंफर्म नहीं किया है। नंबर 6, जब क्राकोटोआ नाम का वोल्केनो इरप्ट हुआ था तो वो आज तक का सबसे ज्यादा लाउडेस्ट आवाज है जो आज तक अर्थ पर रिकॉर्ड की गई है। ये इतनी ज्यादा जोर की थी कि ये पूरे अर्थ में 3 बार वाइब्रेट होकर वापस आई थी। अब आप सोच सकते हो कि ये कितनी ज्यादा पावरफुल होगी। नंबर 5, जापान में कोल्ड ड्रिंक के ऊपर ऐसे ब्रेल भाषा में कोल्ड ड्रिंक का नाम लिखा होता है ताकि अंधे लोग सॉफ्ट ड्रिंक और अल्कोहल के बीच कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि इंडिया में जैसे किराने दुकान होती है वैसे जापान में नहीं होता, ये सारी कैन वाली चीजें वेंडिंग मशीन से खरीदी जाती हैं। नंबर 4, चाइना की कंपनी ने 57 माले की बिल्डिंग को बस 19 दिन के अंदर बनाकर तैयार कर दिया। इसमें 800 से ज्यादा कमरे हैं और पूरा एक ऑफिस रूम भी है जिसमें 4,000 से ज्यादा लोग काम कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए बहुत ही हाईटेक मॉडल
मॉडर्न टेक्निक का यूज किया गया था। नमस्ते, भारत ये बैंक बहुत ज्यादा रिस्क में है। दरअसल इंडियन बैंक ने अदानी को 81,000 करोड़ का एक्सपोजर दिया हुआ था और अदानी इस वक्त जितने डेब्ट यानी लोन में है ये पैसे इंडियन बैंक के 40% है। यानी अगर अदानी बाउंस बैक नहीं कर पाए तो बैंक को इतने सारे पैसों का नुकसान होगा जो कहीं ना कहीं हमें भी इफेक्ट करेगा। नंबर टू, कई ऐसे यूजफुल गैजेट हैं जो हमारे काम आसान कर सकते हैं। कई बार हमें पेन और पेंसिल के बीच में स्विच करना पड़ता है, लेकिन अब मार्केट में ऐसी पेंसिल्स भी आते हैं जो कि पेन भी है और पेंसिल भी, जैसे OHKO पेंसिल बॉल। आप पेंसिल से भी लिख सकते हो और पेन से भी, और ये तो काफी कमाल का गैजेट है। अगर आपको साफ सफाई करने में काफी टाइम लगता है या फिर बाइक को रखना पड़ता है तो इसके लिए है रैम्बो डिवाइस जो आपके घर को साफ कर देगा। ये छोटा सा रोबोट है जो कि बहुत ज्यादा कमाल का काम कर सकता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। और ये तो बहुत ही यूजफुल गैजेट है। आपके घर में कई बार लाइट चली जाती होगी तो आप एक टॉर्च यूज करने से अच्छा एक ऐसा LED बैंड ले सकते हो। इसमें आपको साइड में एक टॉर्च भी मिलती है और ये दिखने में भी काफी कूल लगती है, तो आप इसे इजीली परचेज कर सकते हो और ये उतनी महंगी भी नहीं है। और ये वाला गैजेट भी मुझे बहुत यूजफुल लगा, ये एक हैंडहेल्ड फैन है। अगर आपको गर्मी लग रही है तो आप इसे हाथ में रख कर यूज कर सकते हो, ये काफी अच्छी हवा देता है। और आप इसे कहीं पर रख कर भी एक स्टैंड फैन की तरह यूज कर सकते हो। नंबर वन, आपने सेफ्टी पिन में इस तरीके के होल को जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ये क्यों होता है? दरअसल सेफ्टी पिन का आविष्कार वैसे तो एक गलती से हुआ था, लेकिन फिर जब इसके इन्वेंटर ने देखा कि जब कॉइल्ड वायर को प्रेस किया जाता है तो वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाती है, और उसी से ही सोचकर इन्होंने इस डिजाइन को कंटिन्यू किया था। और जब ये कॉइल्ड वायर को प्रेस किया जाता है तो ऑटोमेटिकली ये होल बन जाता है। इसका कोई अलग से काम तो नहीं होता, लेकिन ये जरूरी होता है सेफ्टी पिन को वर्क करने के लिए, इसके बिना सेफ्टी पिन काम नहीं करेगा। वैसे आपके लिए कुछ बोनस फैक्ट्स, आपने ब्रिजेस तो बहुत देखे होंगे, जैसे लंदन ब्रिज, गोल्डन ब्रिज और काफी ब्रिज आपने देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी दुनिया का सबसे छोटा ब्रिज देखा है? छोटे का मतलब मैं इतने से ब्रिज की बात नहीं कर रहा, ब्रिज का मतलब सबसे छोटे ब्रिज की बात कर रहा हूँ। इसे देखो, ये है दुनिया का एक्चुअली में सबसे छोटा ब्रिज और ये कनाडा टू न्यूयॉर्क कनेक्ट होता है। आप यहाँ देख सकते हो कि इसके लेफ्ट साइड में कनाडा मौजूद है और राइट साइड में न्यूयॉर्क, और ये एक्चुअली में एक ब्रिज है जिस पर लोग चल सकते हैं। और ये काफी माइंड ब्लोइंग चीज है, एक ऐसी सेंटेंस है जो कि एक ही टाइम पर गुड न्यूज भी है और वही टाइम पर बैड न्यूज भी, और वो सेंटेंस है एवरीथिंग इज टेम्पोररी। आप इसे गुड न्यूज की तरह देखोगे तो ये आपको गुड न्यूज लगेगी, और बैड न्यूज की तरह देखोगे तो ये आपको बैड न्यूज लगेगी। ये सेंटेंस आपकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती है कि आपकी सिचुएशन कैसी है। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर आपको यूट्यूबर्स का असली चेहरा नहीं पता था। कैसे इस गेम में आप किसी को मारते हो तो वो असल जिंदगी में भी मर जाता है। कैसे आपके घर का टूटा फूटा टेबल का प्राइस आगे चलकर करोड़ों में होने वाला है। और दुनिया का सबसे महंगा इंटरनेट पैकेज कौन सा है? भाई ये वीडियो तो देखना बनता ही है, तो इसे अभी क्लिक करो। और ये वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है।